अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाह ज़ैब एंड यू आर वाचिंग ज़ैबी टेक। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा इन्फिनिक्स के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है इन्फिनिक्स नोट 12। अभी रिसेंटली ही इन्फिनिक्स के यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल टीज करना स्टार्ट कर दिया इन्फिनिक्स ने इन्फिनिक्स हॉट 12 को, तो उसके साथ ही हमें नोट 12 भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इन्फिनिक्स हॉट 12 की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो खैर, इस वीडियो में बात करेंगे नोट 12 की, तो इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाती हैं, इसका डिज़ाइन कैसा है, इसको कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी कि प्राइस वगैरह क्या क्या है इसको हमें देखने को मिलता है। तो मेक श्योर वीडियो का अंत तक जरूर देख लीजिएगा, आपको इसके बारे में सभी डिटेल का पता चल जाएगा। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन की, तो यहाँ पे जो इसका डिज़ाइन है वो 12 जैसा ही तकरीबन देखने को मिल जाता है। बैक की बात करें तो बैक साइड पर जो इसका कैमरा मॉड्यूल है उसके अंदर हमें बड़ा एक मेन सेंसर मिल जाएगा, और उसके नीचे दो सेंसर, और उसके नीचे ही हमें क्वाड एलईडी फ्लैश लाइट मिल जाती है। बाकी इसका जो अपर एरिया है वो शाइनी लुक के साथ हमें मिलता है, और उसके नीचे ही कैमरा मॉड्यूल के नीचे ही हमें थोड़ी लाइनिंग टाइप टेक्सचर मिलता है। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पे यहाँ पे पंच होल नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे आज भी हमें जो वाटर ड्रॉप नॉच है, ड्यू ड्रॉप नॉच है, इसके अंदर वो देखने को मिल जाती है। तो डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो बैक से अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन फ्रंट की लुक की बात करें तो फ्रंट साइड से एक और स्मार्टफोन ये देखने को मिल जाता है। बाकी इसके डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले वाली साइड से थोड़ा बेहतर देखने को मिलता है, इसके अंदर हमें 6.7 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा 1080p x 2400 पिक्सल्स के साथ, यानी कि फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ इसके अंदर हमें जो 1000 निट्स तक की जो पीक ब्राइटनेस है वो भी मिल जाएगी। तो डे लाइट के अंदर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है, कलर्स इसके अंदर काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। बस इसके अंदर एक कमी देखने को मिलती है, जो इसका है रिफ्रेश रेट। इसके अंदर हमें जो नॉर्मल 60Hz रिफ्रेश रेट है वही मिलता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इन्होंने एमोलेड डिस्प्ले दिया है, तो यहाँ पे 90Hz को इन्होंने कट आउट कर दिया है, तो आपको सिंपल 60Hz मिलता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको जो कलर्स वगैरह हैं वो अच्छे देखने को मिल जाएंगे। बाकी बात कर लीजिए यहाँ पे इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर वाली साइड भी इसकी अच्छी मिलती है। इसके अंदर हमें एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा मीडियाटेक की तरफ से, जो कि है मीडियाटेक का हेलियो G88। अब ये जो प्रोसेसर है 12 NM की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके साथ हमें मान लीजिए 52 का जो GPU है वो मिल जाता है। तो गेमिंग इसके अंदर आप कर सकते हैं, पबजी के अंदर भी आपको 40 FPS का गेम प्ले देखने को मिल जाएगा, हैवी मल्टीटास्किंग आप इसके अंदर ईजिली कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस वाली साइड से ये स्मार्टफोन हमें अच्छा देखने को मिल जाता है। बाकी इसके वेरियंट की बात कर ली है, तो यहाँ पर जो इसका वेरियंट है, जो कन्फर्म वेरियंट है, वो 6128 के साथ है, तो वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अंदर हमें जो रैम एक्सपेंशन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी देखने को मिल जाती है, तो आप 5GB एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, यानी कि 11GB के जो रैम है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसका इतना कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन आपको जो नॉर्मल है 6GB की रैम वही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो लेकिन फीचर एक देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी बात करें यहाँ पर इनके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ हमें जो कलर OS यहाँ पर नहीं है, ऑब्वियसली यहाँ पर इनका जो XOS है 10.6 वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे फीचर्स वगैरह देखा जाए तो सही मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको चाहिए था अब एंड्रॉयड 12 इसके साथ देना, क्योंकि एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है और आजकल तकरीबन सभी न्यू स्मार्टफोन में जो एंड्रॉयड 12 है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ी इसकी डाउन साइड ये देखने को मिल जाती है। बाकी बात कर लीजिए इसके कैमराज की, तो कैमरा वाली साइड भी ठीक देखने को मिल जाती है। बैक पे जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है उसके अंदर हमें जो मेन सेंसर है बड़ा सा वो 50MP का देखने को मिल जाएगा 1.6K अपर्चर के साथ। तो यहाँ पे अपर्चर काफ़ी कम रखा गया है, तो डे लाइट की जिसकी परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी होने वाली है, लो लाइट के अंदर भी ये अच्छा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे इन नंबर्स को देखते हुए तो लग रहा है कि लो लाइट के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन जब इसका अनबॉक्सिंग वगैरह आएगी, कैमरा रिव्यू आएगा, तो जब चेक करेंगे कि जो इसकी परफॉर्मेंस है कैसी देखने को हमें मिल जाती है। बाकी जो सेकंड लेंस है वो एक डेप्थ सेंसर मिल जाएगा 2MP का, और एक QVGA लेंस है। तो मेन सेंसर यहाँ पे काम का है, बाकी दो सेंसर नहीं है, आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पे जो 16MP का जो सेल्फी शूटर है वो देखने को मिल जाएगा, तो फ्रंट साइड से सेल्फीज भी अच्छी हमें देखने को मिल जाएंगी। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो ठीक हमें इसके कैमराज हैं वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी बात कर दिया इसको ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर हमें ऑब्वियसली एमोलेड डिस्प्ले है, तो यहाँ पे हमें इसके साथ जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो तो देखने को मिलता ही नहीं है, इन्फिनिक्स वाली साइड से हमें नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो मिलेगा, तो यहाँ पे साइड माउंटेड भी ठीक है, गुजारे लायक है, आपको अच्छी स्पीड देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी बैटरी की, तो यहाँ पे जो बैटरी मिलेगी वो 5000mAh की है, जो कि आजकल सभी स्मार्टफोन में हमें देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बैटरी हमें मिलती है। 2 दिन का बैटरी बैकअप आपको इजीली मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा टाइप सी है, जो कि एक अच्छा फीचर है, और उसके साथ साथ 33W की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। तो ओवरऑल बैटरी वाले सेक्शन हमें ठीक देखने को मिल जाता है, बैटरी बैकअप भी आपको ज़्यादा मिलेगा और फ़ोन भी जल्दी चार्ज होगा। तो बैटरी वाली साइड काफ़ी अच्छी हमें आजकल के जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से सही देखने को मिलती है। बाकी इसके थिकनेस की बात कर ली जाए स्मार्टफोन के इन्फिनिक्स नोट 12 के, तो ये 7.9mm थिक मिलेगा और 185g के करीब इसका जो वेट है वो मिलता है। तो स्लिम भी है और इसका वेट भी थोड़ा लाइट है, कितना ज़्यादा नहीं है, और एक हैंडी फील एक अच्छी प्रोवाइड करेगा।
तो डायमेंशन वाइज भी ये स्मार्टफोन इन्फिनिक्स नोट 12 हमें सही देखने को मिल जाता है। बाकी ये तो हो गई कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस, बाकी कोई भी चीज़ मिसिंग है तो आप नीचे को हमें पूछ सकते हैं। बात कर लीजिए यहाँ पे इसके लॉन्च डेट की, तो इसका जो लॉन्च है वो हमें ईद के बाद हमें देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 12 लॉन्च होगा तो मे बी उसके साथ ही ये भी लॉन्च हो जाए या एक डेढ़ वीक उसके बाद लॉन्च हो। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ मिसिंग है तो आप ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं मुझे पहली दफा देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी किसी तरह की नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस मैं मिलता हूँ आप सब किसी नए वीडियो में, अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।